अगर आप सीरियस हैं कि सर हमें एग्जाम निकालना ही निकालना है, पूरी मेहनत एक चीज में लगा दो, रेगुलर पढ़ने की। और ये आपको बता दूं कि सबसे कठिन काम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है। मैं फिर से समझा रहा हूं, सबसे कठिन काम है रेगुलर पढ़ना, सबसे महत्वपूर्ण काम है रेगुलर पढ़ना। सिलेक्शन चाहिए तो आप वो आदत छोड़ दो कि कभी पढ़ लिया, कभी 2-3 दिन नहीं पढ़ पाए, फिर घूमने निकल गए, फिर थोड़ा टाइम पास कर लिया, फिर थोड़े लेक्चर्स देख लिए, फिर बातें बड़ी बड़ी मत करा करो कि मुझे सर आप तो बताओ क्या करना है। एक ही आदत बना लो कि रेगुलर करना है, जितनी क्लासेस लग रही है, 5 लग रही है, 6 लग रही है, रोज पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। नई लाइव देख सकते, रिकॉर्डेड देखो, कोई दिक्कत नहीं। लाइव और रिकॉर्डेड में अपने दिमाग से निकाल दो कि लाइव और रिकॉर्डेड में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, दोनों बढ़िया है, कहीं दिक्कत नहीं आती दोनों में। सबसे इंपॉर्टेंट है रोज का काम रोज खत्म करना, है ना। तो सबसे पहली चीज ये आदत बना लो, और अभी भी अगर और नहीं करोगे ना तो बाद में बहुत भारी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं लोग क्या गलती करते हैं। कोर्स ज्वाइन करते समय आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, और ये ह्यूमन की साइकोलॉजी है। जब भी आप कोई नया काम करोगे, कुछ ज्वाइन करोगे, कोर्स जाओगे, कोई कोचिंग जाओगे, कोई भी काम नया सीखोगे, आपको मजा आएगा, पर वो मजा हफ्ते 10 दिन 15 दिन टिकेगा, उसके बाद आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। कोई भी काम, कितना ही पसंद का काम हो, एक समय के बाद बोर महसूस होने लगता है, और वही वो समय है जब इंसान को खुद को संभालना पड़ता है ना। और एक बात ध्यान रखें कि अच्छा लगे या बुरा, अगर आपके टारगेट के लिए कोई चीज करना जरूरी है, अगर आपके लक्ष्य के लिए, आपके सपने के लिए कोई चीज करना जरूरी है, तो अच्छा और बुरा देखना छोड़ दो, और हम एक चीज और ढूंढते हैं, मजा, है ना। मजा नहीं आ रहा सर, ये पढ़ने में मुझे मजा नहीं आ रहा, ये विषय मुझे बड़ा बेकार लगता है, छोड़ दो ये बात बोलना। अगर कोई चीज आपके टारगेट के लिए जरूरी है तो करना है, अच्छा है बुरा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, करना पड़ेगा, है ना। तो मन मार के पढ़ने से अच्छा है इंटरेस्ट लेके पढ़ो, करना तो पड़ेगा भाई, किसी जगह जाने के लिए जो रास्ता उस पे चलना पड़ेगा। अब आप सोचो कि मुझे बढ़िया हाईवे मिल जाए, मुझे कार मिल जाए, तो ड्राइवर भी मिल जाए, चला के बोले जाए, मैं बस बैठे रहूं, तो फिर भाई इतना आसान होता तो हर व्यक्ति फिर उस जगह नहीं पहुंच जाता। तो रोड भी तुमको ही बनाते चलना पड़ेगा, कार भी तुम्हें ही चलानी पड़ेगी, सब कुछ तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी में फायदा कौन लेगा। जॉब लग जाएगी तो सैलरी किसको मिलेगी, पैसा किसके पास आएगा, तुम्हारे पास आएगा, है ना। तो अच्छा लगे बुरा लगे ये सब कहना छोड़ दो भाई, करना है मतलब करना है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही होती है कि शुरुआत की यात्रा इंटरेस्टिंग होती है, उसके बाद सब बोर लगने लगता है, और वही आपकी परीक्षा है, और वही आपको ये सिद्ध करना है कि मैं अच्छे बुरे के लिए नहीं आया था, मुझे सिलेक्शन लेना है, उसके लिए मुझे पढ़ना है।